नमस्कार। आज ताल यात्रा की प्रस्तुति करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। खास करके मैं तो खास साहब के आशीर्वाद मानकर चल रहा हूँ, जो यहाँ प्रस्तुति कर रहा हूँ। ताल यात्रा ये लय ताल को पक्ष को फोकस करने वाला एक कार्यक्रम है। इसको मैं हमेशा इस तरह देखते आया हूँ संगीत में, कि संगीत में स्वरों का जो स्थान है वो कलाकार की एकाग्रता निश्चित करता है और लय ताल आत्मविश्वास अधोरेखित करता है। तो लय ताल ये पक्ष में का जब कुछ कहना होता है तो उसका मीडियम अगर म्यूजिक हो तो लोगों को लय ताल की ताली रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि म्यूजिक बंदिश के सहारे आवर्तन पूरा हो जाता है और आवर्तन को बगैर मात्रा से गिन कर समझा जाना, उसको कहते ताल का छंद होना। ताल का छंद होना चाहिए कि कितना ताल मुश्किल करना चाहिए, कितनी लयकारी मुश्किल करनी चाहिए कि उस लयकारी में सहजता रहे, उतनी मुश्किल करनी चाहिए। और म्यूजिक की वजह से उसको हम बहुत आराम से समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट है, एको हम बहुत से हम, मैं एक हूँ, गीतम वाद्यम नृत्यम, ये तीनों कंसेप्ट एक ही है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उसके मीडियम्स अलग है। लेकिन इसको एक समझने का लय ताल का पक्ष का कौन सा मार्ग है वो देखने की कोशिश की है मैंने। और जितने बुजुर्ग लोगों को मैंने देखा है, सुना है, उनको पास से समझने की कोशिश की है, उसको एक व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपके सामने पहले पंडित बिंदादीन महाराज जी की एक बंदिश, श्याम छवि अति बनी मुकुट माथे धरे भाल केसर तिलक हरत मन चितवनी, राखिए बिंदा लाच कीजे भक्ति हर सुनहु तोहु अर्ज मोरी कृष्ण कौशल धनी। ये जपताल की बंदिश है। शुरू में हम एक कृष्ण वंदना को सादर करेंगे और फिर श्याम छवि ताल जपताल में शुरू करेंगे। ताल जपताल में शुरू होते हैं तो आखिर में हम ताल की 10 मात्रा की जगह 4 मात्रा को पकड़ लेते हैं। 4 जपताल में 4 मात, 4 खंड, ढाई 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 ढाई, बाद में उसकी दुगुन करके सवा सवा हो जाता है, तो उल्टी सवाए की कहते हैं, 8 सवा 10। तो और ये कितना सहजतापूर्वक विचार है कि सब लोग मिलकर हम लोग ये पहुँचते हैं यहाँ। और ये लय ताल का पक्ष विचार मेरे सारे गुरु लोगों ने दिखाया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, एक सोच है। तो देखिए, कृष्ण वंदना, कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौसुभम नवा नासाग्रे नव मुक्तिकम करतेलु करतले वेणु करे कंकणम सर्वांग हरिश्चंदनम सुविमलम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हम इस कृष्ण वंदना से शुरुआत करेंगे। इसमें डांस पक्ष भी है, इसलिए हम वंदना से शुरुआत करेंगे। नमस्कार। थोड़ा लाइट ऑडियंस में थोड़ा अधिक मिलेगा।
इसके बाद एक प्रस्तुति ताल आड़ा चौताल में, राग सोनी में बंदिश है, चलो हटो पिया। आड़ा चौताल भी थोड़ा सा कम गाया जाता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी गाते हैं, जैसे ये प्रसिद्ध गायिका गान सरस्वती किशोरी अमुनकर जी की माता जी, गान तपस्विनी मुगुबाई कुर्डीकर जी की एक बंदिश है, चलो हटो पिया अब निकन आओ, झूठी बचन है हमें यूं ना सुना। आड़ा चौताल में उनकी बंदिश है, प्रस्तुति कर रहा हूँ। और आलस बदन और अरुण नयन बिन गुंद माला चतर लचन, जैसो तन वैसो ही मन वाहू के अब क्यों न जाए, चलो हटो पिया अब निकन आओ।
आ 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
Bye.
आखिर में तीन ताल की प्रस्तुति कर रहे हैं, जो एक रचना राग चंद्रकोंस में है। डीम डीम डम डम रू बाजे, द्रुत तीन ताल की रचना। Bye.
Thank you.
Ah.